आज हम बनाएंगे 100% परफेक्ट वमसिली जहाँ मीठी सेवइयाँ, वो भी बिना दूध के। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बिना दूध के ही एकदम खिली खिली वर्मसली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप वर्मसली। इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से भून लेना है, कड़छी को हमें चलाते रहना है। दो मिनट तक हमने वर्मसली को भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे लिए है 8 से 10 बादाम, जिन्हें की 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। थोड़ी सी हम इसमें किशमिश भी डाल देंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो। इसे भी हम वर्मसली के साथ ही भून लेंगे। लगातार 5 मिनट तक हमने इसे कड़छी को चलाते हुए भून लिया है। कलर इसका अब गोल्डन ब्राउन हो गया है। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक प्लेट में। हम सेम ही पैन में 1 कप शुगर का ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 3 कप पानी के। शुगर को हम अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। फ्लेम अभी मैंने हाई रखी है। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, पानी में बॉयल आ गया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। फ्लेम को हम अब बिल्कुल लो टू मीडियम कर देते हैं और इसमें ऐड कर देंगे वर्मसली जो हमने रोस्ट करके रखी है। इसे अब हम ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम आपने एकदम लो टू मीडियम ही रखनी है। पांच मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। पानी हो गया है एकदम ड्राई। अब देखिए काफी मॉइस्चर इसका रिड्यूस हो गया है और कलर और खुशबू दोनों ही अमेजिंग है। पानी काफी सूख गया, आप देखिए। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे ढक कर 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 2 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को भी ऑफ किए हुए और सेवइयां एकदम बढ़िया, देखिए आप कितनी बढ़िया खिली खिली बनकर तैयार हो गई है। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। परफेक्ट सेवइयां जो वर्मसली बनकर तैयार हो गई है, वो भी बिना दूध के ही। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।